गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स रूल। और किरचॉफ्स रूल दो है, और इसके बाद जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में, बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो थियरीज है, दैट इज विस्टन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। ये तीन टॉपिक्स बाकी हैं। तो ये जो तीनों तीन टॉपिक्स हैं वो भी हमारे किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड है। मतलब कि अगर आपको किरचॉफ्स लॉ समझ में आए तो ही आप इस चैप्टर के बाकी के सब टॉपिक्स को सॉल्व कर सकोगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स के दो लॉज हैं, दैट इज फर्स्ट रूल इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन रूल, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन, जंक्शन जंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जंक्शन को कुछ ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि देखो नवसारी का रेलवे स्टेशन आपको मालूम है, है ना। नवसारी का जो रेलवे स्टेशन है उसका जो पॉइंट है, नवसारी स्टेशन का पॉइंट है ना, उस पे दो ही साइड से ट्रेन आ सकती है। वन इज फ्रॉम अ सूरत साइड एंड अनदर इज फ्रॉम वलसाड साइड, है ना। दो ही तरफ से ट्रेन आ सकती है। बट हम यहां पे जो रह रहे हैं, एक बिल्ली मोराबी स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, है ना। तो ये जो बिल्ली मोरा रेलवे स्टेशन है तो वहां पे तीन साइड से ट्रेन आ सकती है। वन इज फ्रॉम नवसारी साइड, अनदर इज फ्रॉम वलसाड एंड थर्ड वन इज फ्रॉम, वो एक छोटी ट्रेन जाती है ना नैरो गेज वाली, है ना, वो वगई साइड जाती है, मालूम है। ओके, तो बिल्ली मोरा स्टेशन पे तीन साइड से ट्रेन आ सकती है ना। तो वहां पे तीन कंडक्टर्स कलेक्ट हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं, बराबर। इसीलिए वहां पे बिल्ली मोरा को हम बोलेंगे जंक्शन, बिल्ली मोरा जंक्शन। क्यों? तो वहां पे मिनिमम थ्री कंडक्टर्स आर कनेक्टेड, है ना। बट नवसारी कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ जंक्शन, द रीजन बिहाइंड दैट इज, है ना, वहां पे ओनली टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड। गेटिंग इट और नॉट? तो व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन? अ पॉइंट ऑफ अ नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल सर्किट, अ पॉइंट ऑफ सर्किट इन विच मिनिमम थ्री कंडक्टर्स आर कनेक्टेड। मिनिमम तीन तो होने ही चाहिए, तीन से ज्यादा कितने भी हो गए चलेंगे, है ना, पर दो से ज्यादा होने चाहिए, है ना। तो अ पॉइंट विच हैज मोर देन टू कंडक्टर्स, है ना, तो दैट पॉइंट कैन बी कॉल्ड एज अ जंक्शन। समझ में आया? जंक्शन, और दूसरे वर्ड में उसको हम ब्रांच पॉइंट भी कह सकते हैं। क्लियर? ओके, तो राइट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, दैट इज जंक्शन रूल, जंक्शन लॉ, है ना। तो हम पहले क्या करेंगे? तो एक पॉइंट ले लिया है यहां पे, पॉइंट पी, विच इज अ जंक्शन पॉइंट। हाउ कैन यू से पॉइंट पी एज जंक्शन? तो देखो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 फाइव कंडक्टर्स आर कनेक्टेड एट पॉइंट पी, तो दो से ज्यादा है ना। तो इस पॉइंट पी को हम क्या कह सकते हैं? अ जंक्शन पॉइंट पी, है ना। वहां पे हमने पांच कंडक्टिंग वायर्स कनेक्ट किए गए हैं, है ना। तो उसमें कैसा है?
कि पांच तो उस एक करंट पांचों पांच में करंट डिफरेंट हमने लिया है आई वन आई टू आई थ्री आई फोर एंड आई फाइव है ना, बट आई वन आई टू एंड आई फोर इज एंटरिंग द जंक्शन पॉइंट है ना, एंड आई थ्री एंड आई फाइव इज लीविंग द जंक्शन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो किचॉप्स का फर्स्ट रूल क्या कहते हैं, क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पे द सम ऑफ एंटरिंग द जंक्शन, द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन एंड द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल है ना। जितना करंट आता है, सिंपल वर्ड में जितना करंट आता है उतना करंट जाता है, द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन एंड द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल है ना। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो एंटरिंग द जंक्शन पे करंट का सम कौन सा होगा, आई वन आई टू एंड आई फोर, सो आई वन प्लस आई टू प्लस आई फोर दैट इज इक्वल टू लिविंग करंट कौन सा है आई थ्री एंड आई फाइव, तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री दैट इज इक्वल टू आई थ्री प्लस आई फाइव। सिंपल लॉजिक है, गेटिंग इट ऑर नॉट है ना, सिंपल लॉजिक है ना। तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई फोर दैट इज इक्वल टू आई थ्री प्लस आई फाइव। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ दैट इज जंक्शन लॉ है ना। तो स्टेटमेंट क्या है, तो अगर ये पूछना हो तो दो मार्क्स में पूछ सकते हैं है ना, तो स्टेटमेंट का एक मार्क्स और एक्सप्लेनेशन का एक मार्क्स। हाँ, तो स्टेटमेंट एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन, कितना सिंपल है, जितना करंट आता है उतना करंट जाता है, द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। क्लियर, समझ में आ गया यहां पे? ओके। और एक बार किरचॉफ्स फर्स्ट रूल में से बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू पूछा गया है ना, दैट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ दैट इज जंक्शन लॉ फॉलोज विच लॉ है ना। तो हमारे पास कंजर्वेशंस के चार लॉ है, वो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, कौन से थे, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, चार्ज कंजर्वेशन लॉ, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। ओके, तो इसमें करंट है, तो करंट दैट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जितना चार्ज अंदर आता है उतना चार्ज बाहर निकलता है, सो चार्ज कंजर्व रहता है हाँ। तो ये एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा गया था, दैट इज किचॉफ्स जंक्शन लॉ जंक्शन रूल फर्स्ट लॉ फॉलोज विच कंजर्वेशन लॉ, दैट इज चार्ज कंजर्वेशन लॉ। क्लियर, समझ में आया ये? ओके, सो दैट इज फॉर टू मार्क्स किचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इजी है, हो जाएगा अपने आप से। ओके, अभी जो मेन पॉइंट है दैट इज फॉर टू मार्क्स दैट इज किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ दैट ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज लूप लॉ, लूप एल डबल ओ पी लूप लॉ लूप रूल है ना। तो उसका स्टेटमेंट क्या है वो अभी आपको नहीं मालूम पड़ेगा, वो आपको कब मालूम पड़ेगा कि समझिए कि किरचॉफ्स का जो सेकेंड रूल है
है ना, दैट इज बेस्ड ऑन अ सर्किट ऑफ क्लोज लूप. तो हम क्या करेंगे, तो एक टिपिकल क्लोज लूप वाली सर्किट देखेंगे. तो देखो यहां पे हमने एक टिपिकल पांच साइड वाली 1 2 3 4 5 पांच साइड वाली यहां पे हमने एक टिपिकल क्लोज लूप देखी, देख रहे हो आप. ओके, उसके बाद इस पांच साइड वाली जो क्लोज लूप है सर्किट है ना, उसमें हमने बहुत सारे सेल्स और रेजिस्टर्स दिखाए हुए हैं, है ना. वो अपने कोई भी सर्किट ले लिए हमने ऐसे, बराबर एक ऐसे ही सर्किट ले लिए जिसमें रेजिस्टर्स हैं और सेल्स हैं. ओके, तो ये पांच साइड वाली हमने एक क्लोज लूप ले ली. ओके, और इस क्लोज लूप का नाम हम क्या कह सकते हैं, तो यहां से शुरू करें हम, तो ए बी सी डी ई. ए बी सी डी इज नॉट अ क्लोज लूप. क्लोज लूप का रूल क्या है, जहां से आप स्टार्ट करोगे वहां पे खत्म करना पड़ेगा. सो क्लोज लूप कैन बी कॉल्ड एज ए बी सी डी ई ए. सो यहां पे क्लोज लूप हमने ए बी सी डी ई ए, है ऐसे. जरूरी नहीं है कि ऐसे ही स्टार्ट करो, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो बी सी डी ई ए बी. ऐसे जरूरी नहीं है कि क्लॉकवाइज ही बोलो, है ना. एंटी क्लॉकवाइज भी आप ले सकते हो, है ना. जो भी करोगे बस रूल परफेक्टली अप्लाई करना पड़ेगा और वो आपको सीखना है, है ना. क्यों सीखना जरूरी है, कि इसके बाद के बाकी के सब न्यूमेरिकल्स है ना, सभी बड़े 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स हैं. ओके, तो उसमें तो सब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही है, बराबर. पर किचॉक्स का ये जो सेकेंड रूल अप्लाई करने का जो मेथड है वो आपको यहां पे सीखना पड़ेगा, है ना. तो एक नहीं दो सेशंस हम देंगे इस किचॉक्स के सेकेंड रूल को सीखने के, एक आज और उसके बाद नेक्स्ट कल भी हम किचॉक्स सेकेंड रूल की क्लोज लूप में कैसे अप्लाई करते हैं तो वो हम देखेंगे कल के लेक्चर में भी, है ना. अभी स्टार्ट करते हैं कि ये हमने क्लोज लूप ले लिया ए बी सी डी ई ए, है ना. ये एक मिक्स्ड सर्किट है विथ लॉट्स ऑफ रेजिस्टर्स एंड सेल. ओके, तो यहां पे हमने सेल लिया, तो सेल का कैसे रहता है, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड, बड़ा पॉजिटिव छोटा नेगेटिव. तो एक दो तीन, तीन सेल्स लिए हुए हैं जिसका ईएमएफ दैट इज वोल्टेज E1, E2 एंड E3 है. ओके, वैसे ही रेजिस्टर्स लिए गए हुए हैं, तो रेजिस्टर दैट इज R1, R2, R3, R4 एंड R5. पांच रेजिस्टर्स भी लिए हैं यहां पे हमने. ओके, और जर्नी डायरेक्शन हमने कुछ ऐसे ही रखी है ए बी सी डी ई ए क्लोज लूप, तो दैट इज जर्नी डायरेक्शन. ओके, तो ये जो किरचॉफ्स रूल है, सेकेंड लॉ जो है लूप का, है ना, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल. बराबर दिमाग में डालिएगा, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ दैट इज लूप लॉ, दैट गिव्स यू the value of potential, potential that is voltage. Okay, तो हम यहां A से शुरुआत करेंगे और एक लाइन में जो जो भी components आएंगे सर के, है ना, उसका potential हम लिखते जाएंगे, है ना. तो A से शुरुआत करेंगे. Okay, अभी देखो कि जहां जहां पे रेजिस्टर है वहां पे हमने करंट भी मेंशन किया गया, है ना. हर एक
रेजिस्टर R1 के लिए करंट I1 है, R2 के लिए I2 है, R3 के लिए I3 है, R4 के लिए I4 है, R5 के लिए I5। हर रेजिस्टर के साथ हमने करंट भी मेंशन किया गया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स रूल को, सेकेंड रूल को, लूप रूल को कैसे हम अप्लाई करें। तो किरचॉफ्स सेकेंड लॉ गिव्स यू द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, दैट इज वोल्टेज। ओके, तो लेट मी स्टार्ट। बराबर समझिएगा, तो किस पॉइंट से हमने जर्नी की शुरुआत की है, दैट इज पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए, है ना। तो पॉइंट ए से शुरुआत करेंगे, तो पॉइंट किरचॉफ सेकेंड लॉ गिव्स यू द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, तो ए से शुरुआत की ना, तो पहले स्टार्ट करेंगे पॉइंट ए से। तो यहां पे लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, दैट इज वी ए, ए से शुरुआत की, तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल वी ए हमने लिया। ओके, और बहुत सारी जगह छोड़ेंगे और लिखेंगे इज इक्वल टू, हमारी जर्नी कहां पे एंड होगी। सो ए से शुरुआत करके वापस हम ए पे ही आएंगे ना, तो दैट इज इक्वल टू वी ए। क्लियर, ये फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप समझ में आया। किरचॉफ सेकेंड लॉ गिव्स यू द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वोल्टेज। सो किस पॉइंट से हमने जर्नी की शुरुआत की है, तो पॉइंट ए से। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल दैट इज वी ए। ओके, और फिर यहां से जाके वापिस ए पे ही आएंगे, तो बहुत सारी जगह छोड़ के दैट इज इक्वल टू वी ए। ओके, और अभी जो ये बीच में यहां पे जो पोर्शंस है, है ना, उसको स्टेप टू, स्टेप टू में यहां पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो पॉइंट ए से अगर हम शुरुआत करते हैं, तो देखो कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। पहले क्या आता है, सेल ईएमएफ, बैटरी आ रही है, उसके बाद रेजिस्टर, कंपोनेंट बोला, करंट इज नॉट एन कंपोनेंट, है ना, इंस्ट्रूमेंट। सेल बैटरी इंस्ट्रूमेंट है, रेजिस्टर दैट इज इंस्ट्रूमेंट, सेल रेजिस्टर, रेजिस्टर सेल, रेजिस्टर रेजिस्टर, खत्म, है ना। तो शुरुआत करेंगे हम पहले जो जो भी कंपोनेंट्स आएंगे उसके पोटेंशियल लिखेंगे। चलो पहले कौन सा आया, पहले सेल आया, तो ये सेल का पोटेंशियल दैट इज वोल्टेज क्या है, दैट इज ईएमएफ, ईएमएफ इज आल्सो पोटेंशियल। तो बैटरी आई ना, तो पहले सेल आया, तो सेल का ईएमएफ दैट इज ई वन। ओके, उसके बाद क्या आया, रेजिस्टर आया, बट रेजिस्टर के दो एंड के बीच इसका पोटेंशियल हमने लिया ईएमएफ ई वन। अभी रेजिस्टर आया, तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल कितना होता है, तो रेजिस्टर में ओम ने बोला था ना कि रेजिस्टर आर हो, अगर उसमें से आर आई करंट पास होता है, तो उसके दो एंड पे पोटेंशियल दैट इज वी इज इक्वल टू आई आर, आई आर, बैटरी आई, तो उसका पोटेंशियल दैट इज ईएमएफ ईवन लिखा। अभी रेजिस्टर आएगा तो आई आर लिखेंगे, आई दैट इज करंट पासिंग थ्रू दैट रेजिस्टर दैट इज आई वन, एंड आर वन जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है। तो रेजिस्टर आया, तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल कितना रहता है, आई आर दैट इज आई आर, तो आई वन आर वन। ओके, उसके बाद सेल आया, जो जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं उसको सिर्फ देखते जाइए, सेल आ गया, रेजिस्टर आ गया, वापिस सेल आया, तो सेल का ईएमएफ दैट इज ई टू। ओके, उसके बाद रेजिस्टर आया आर टू, और उसके अंदर से पासिंग करंट आई टू है, तो इस रेजिस्टर के दो एंड के बीच पोटेंशियल आई एन दैट इज आई टू आर टू।
एक लाइन ही बनानी है कि चॉप्स रूल को एक्सप्लेन करने के लिए. ओके, उसके बाद वापिस रेजिस्टर आया, तो रेजिस्टर के दो एंड के बीच पोटेंशियल आई है, दैट इज I3 R3. ओके, उसके बाद सेल है, सेल का जो पोटेंशियल है दैट इज EMF, तो दैट इज E3. ओके, उसके बाद रेजिस्टर है, तो ये रेजिस्टर के दो एंड के बीच पोटेंशियल आई है, दैट इज I4 R4. उसके बाद वापस रेजिस्टर आया, तो रेजिस्टर के दो एंड के बीच पोटेंशियल आई है, दैट इज I5 R5. ओके, तो यहां पे I5 R5 हो गया, तो अभी आ गया ना पोटेंशियल, पॉइंट ए पे वापस आएगा ना, तो दैट इज इक्वल टू VA. बोलो समझ में आ है ना, कहां से शुरुआत की थी हमने क्लोज लूप की, पॉइंट ए से. पॉइंट ए पे लिखा पोटेंशियल दैट इज VA है ना, उसके बाद जो जो कंपोनेंट्स आए उसके हमने पोटेंशियल हम लिखते गए. सेल आया तो EMF E1, रेजिस्टर आया तो रेजिस्टर इसके दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल आई है, दैट इज I1 R1, E2 I2 R2, I3 R3, E3 I4 R4, I5 R5. हो गया ना. ओके, अभी ये जो EMFs और आयर उसके वैल्यू अभी पॉजिटिव या नेगेटिव है वो कैसे करेंगे, तो वो देखें. ओके, तो देखिएगा समझिएगा बराबर. तो हमने शुरुआत की है पॉइंट ए से, तो ईएमएफ कब, ई1 ई2 एंड ई3 तीन ईएमएफ है हमारे पास, ईएमएफ कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे, है ना. तो समझिएगा, हम ए से शुरुआत की तो सेल में पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड गए, हमारा जर्नी का डायरेक्शन ए से बी है, तो हम पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड पे गए, है ना. तो फाइनल किस एंड पे गए हम, बड़े एंड से छोटे एंड पे, है ना. तो फाइनल कहां पे गए, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड, नेगेटिव एंड पे गए, है ना. तो तब जो ईएमएफ है वो नेगेटिव लिया जाएगा. फाइनली क्या हुआ है, पॉजिटिव से हम नेगेटिव गए ना, तो फाइनली हम ईएमएफ क्या लेंगे, हम जो फाइनल जिस स्टेप पे गए तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो लास्ट में नेगेटिव पे गए ना. ओके, तो यहां पे ईएमएफ हम क्या लेंगे, नेगेटिव. समझ में आया. ओके, अच्छा ऐसे कैसे, अभी E2 और E3 का भी सिंबल देख लेना. तो E2 का सिंबल क्या रहेगा इस सर्किट के लिए, तो हम A से B गए, अच्छा B से C जा रहे हैं हमारी जर्नी की डायरेक्शन. ओके, तो B से C जा रहे हैं, तो इसका EMF E2 पॉजिटिव या नेगेटिव, तो देखो B से C जाएंगे ना ऐसे. ओके, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो फाइनली हम कहां पे कूदे, प्लस एंड पे कूदे, माइनस टू प्लस. ओके, तो अब यहां पे ईएमएफ क्या लेंगे हम, प्लस, सो E2 विल बी पॉजिटिव, क्लियर है ना. और E3 का सिंबल हम क्या लेंगे, तो B2 C C2 D D2 E, हम ऐसे जा रहे हैं. ओके, तो E3 में इस थर्ड सेल में हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ऐसे D2 E. ओके, सो फाइनली हम किस एंड पे कूदे, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो फाइनली हम नेगेटिव एंड पे कूदे, है ना. तो E3 हम क्या लेंगे, E3 विल बी नेगेटिव, क्लियर, समझ में आया ये. ओके, चल उसके बाद ये ईएमएफ का हो गया, ईएमएफ कब पॉजिटिव लेंगे हम और ईएमएफ कब नेगेटिव लेंगे सेल का,
ओके तो वो कैसे, तो हमारी जर्नी अगर पॉजिटिव से नेगेटिव एंड पे तो फाइनल ईएमएफ विल बी नेगेटिव, अगर हमारी जर्नी सेल के नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड पे तो फाइनल पॉजिटिव एंड पे तो दैट ईएमएफ विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव एंड। ओके तो ई1 ई2 ई3 का हो गया फाइन। अभी ये जो अय्यर वाली जो पॉइंट्स है, अय्यर कब पॉजिटिव होगा, अय्यर कब नेगेटिव होगा, है ना, अय्यर ये कब पॉजिटिव होगा, ये कब नेगेटिव होगा, तो वो अगर वो हम यहां पे समझेंगे, है ना। तो देखिए ए से बी जाने में ये ईएमएफ का हो गया, अभी ये रेजिस्टर में से करंट I1 इस साइड पे है, तो हमारी जर्नी टू ए से बी है, हमारी जर्नी तो ए से बी है रेजिस्टर, और रेजिस्टर में जो करंट है वो भी ए से बी के साइड पे ही है, है ना। तो अगर हमारी जर्नी और करंट की डायरेक्शन रेजिस्टर में दोनों सेम हो, हम ए से बी जा रहे हैं और रेजिस्टर में करंट भी हमारे साथ आ रहा है, तो तब 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 रेजिस्टर के दो पॉइंट पे पोटेंशियल हम नेगेटिव लेंगे, वापस हम ए से बी जा रहे हैं और करंट भी अगर हमारे पास आए हमारे साथ आए तो तब अय्यर हम लेंगे नेगेटिव, तब हम अय्यर क्या लेंगे नेगेटिव। तो देखो यहां पे हम ए से बी जा रहे हैं और करंट I1 हमारे साथ आ रहा है, तो दैट I1 R1 विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। ओके अभी B2C में हम जा रहे हैं B2C और करंट हमारे अपोजिट में आ रहा है, हमारी जर्नी B2C पॉइंट है बट करंट इज ऑन अपोजिट साइड, है ना। तो ये आराम से याद रख सकते हो कि हमारी जर्नी इस साइड पे, करंट अगर सामने से आएगा तो बूम एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा तो फ्रैक्चर होगा, फ्रैक्चर होगा तो एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस आएगी तो एम्बुलेंस पे क्या लिखा होगा माइनस, एम्बुलेंस पे क्या लिखा होता है प्लस। सो एट दैट टाइम अय्यर विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव है। अच्छा था ना, समझ में ही नहीं आया, समझ में नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारी जर्नी इस साइड पे और करंट सामने से आ रहा है तो ऐसा होगा तो एक्सीडेंट होगा, अगर करंट सामने से आएगा तो एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा तो एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस पे क्या लिखा होता है प्लस, है ना। तो हमारी जर्नी और करंट अगर अपोजिट में है ना तो तब अय्यर कैन बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। तो हम B2C जा रहे हैं तो ये I2 R2 अपोजिट में, ओके तो I2 R2 विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, क्लियर। वैसे I3 R3 देखो हम तो ऐसे C2D जा रहे हैं हमारी जर्नी डायरेक्शन, बट इसमें भी करंट, हम तो C2D जा रहे हैं बट करंट इज अपोजिट अस, है ना, तो I3 ऑल्सो विल बी पॉजिटिव। सिमिलरली इसमें I4 हम D2E आ रहे हैं और करंट भी हमारे हमारे साथ आ रहा है इसमें, है ना, तो करंट भी अगर हमारे साथ आ रहा है तो I4 विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। ओके और हम जाएंगे E2A और करंट हमारे सामने आ रहा है, है ना, तो I5 R5 विल बी कंसीडर्ड एज अपोजिंग है तो पॉजिटिव, क्लियर। समझ में आया ये पॉइंट, ओके तो ये फर्स्ट लाइन जो है अगर ये आपको समझ में आई तो बाकी के सब न्यूमेरिकल्स आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, बस इतना आएगा तो उसके बाद तो हमें सिर्फ वैल्यू पुट आउट करके इक्वेशन बना के सॉल्व ही करने, दैट इज सिंपल मैथमेटिक्स, बट समझ में आया, ओके। बट अभी तक हमने दैट इज ये क्लोज लूप के लिए हमने ये किरचॉफ सेकेंड लॉ
लूप लॉ, लूप रूल वो हमने अप्लाई कर दिया, थोड़ा लॉन्ग था है ना, बट अभी तक हमने स्टेटमेंट को समझा ही नहीं। तो स्टेटमेंट को समझने के लिए अभी इस इक्वेशन को थोड़ा बराबर बनाते हैं, है ना। तो देखिए यहां पे va और is equal to va, तो ये कैंसल हो जाएगा, हो जाएगा कैंसल। ओके, तो अभी क्या रहा, तो ये emf और ir वाली बहुत सारी टर्म्स, तीन emf वाली टर्म्स और चार पांच ir वाली टर्म्स रह गई। तो हम क्या करेंगे, एक साइड पे ir वाली टर्म्स रखेंगे और दूसरे साइड पे emf वाली टर्म रखेंगे, है ना। तो हम इस साइड पर आयर वाली टर्म्स रखते हैं, तो आयर वाली टर्म्स कौन सी है, तो दैट इज माइनस आई वन आर वन प्लस आई टू आर टू प्लस आई थ्री आर थ्री माइनस आई फोर आर फोर प्लस आई फाइव आर फाइव। अच्छा, ये आयर वाली टर्म्स हो गई, दैट इज इक्वल टू, ऑन द राइट साइड पे हम सब ई एम एफ वाली टर्म्स को ले जाएंगे, तो ई एम एफ वाली माइनस इवन है लेफ्ट साइड पे, उस साइड पे जाएगा तो प्लस इवन, ओके ई टू प्लस ई टू है, इस साइड पे जाएगा तो माइनस ई टू, और यहां पे माइनस ई थ्री है, उस साइड पे जाएगा तो प्लस ई थ्री। ओके, तो देखो यहां पे लेफ्ट साइड में जो भी है वो अयर 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 का एल्जिब्रिक सम है, एल्जिब्रिक सम है, है ना। तो इसको हम मैथमेटिक्स के हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ अयर, दैट इज एल्जिब्रिक सम ऑफ अयर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे ऐसे लिख सकते हैं समेशंस ऑफ ईएमएफ ई, दैट इज एल्जिब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, है ना। तो दिस टर्म इज कॉल्ड एज द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ सेकेंड लॉ। ओके, तो इसको अगर हमें स्टेटमेंट में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, फॉर एनी क्लोज लूप, फॉर एनी क्लोज लूप द सम ऑफ द एल्जिब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट पासिंग थ्रू इट। वापिस देखो, दो टर्म्स है, दो टर्म्स को लिखना है हमें इक्वल, तो फॉर एनी क्लोज लूप, फॉर एनी क्लोज सर्किट द एल्जिब्रिक सम ऑफ, द एल्जिब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट एंड रिस्पेक्टिव करंट पासिंग थ्रू इट इज इक्वल टू द एल्जिब्रिक सम ऑफ ई एम एफ अप्लाइड इन अ सर्किट। समझ में आया, वापिस ये समेशन दैट इज एल्जिब्रिक सम इन एनी क्लोज लूप इन एनी क्लोज सर्किट द एल्जिब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिस्पेक्टिव करंट पासिंग थ्रू इट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू एल्जिब्रिक सम ऑफ ईएमएफ अप्लाइड टू क्लोज सर्किट। समझ में आया, that is statement of Kirchhoff's second law, for any closed loop the algebraic sum of resistances and respective currents flowing through them is equal to algebraic sum of emf applied along the loop, clear। aur ye jo law hai उसका भी एक एमसीक्यू निकल सकता है, तो जैसे कि ये जो फर्स्ट रूल था जंक्शन रूल दैट फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ, तो वैसे ही ये जो है, ये जो किरचॉफ सेकेंड लॉ है जो क्लोज लूप है,
तो यहाँ पे इसमें हम पोटेंशियल लिखे, पोटेंशियल वी दैट इज वर्क पर चार्ज, वर्क दैट इज एनर्जी है। तो ये जो किचॉप्स का जो सेकेंड लॉ है दैट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज एमसीक्यू, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। क्लियर है ना? हम क्लोज लूप से किचॉप सेकेंड लॉ पे कैसे हम अप्लाई करेंगे, ये पूरा एक लाइन है। तो एक लेक्चर से ये नहीं होगा, इसमें हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके तो इसका नेक्स्ट सेशन भी हम कुछ एक्स्ट्रा सर्किट्स लेके कैसे अप्लाई करते हैं तो वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बोलो समझ में आया ये, है ना? किचॉप्स फर्स्ट लॉ वो तो कुछ है ही नहीं, किचॉप्स सेकंड लॉ जिसमें हमने पूरा टाइम निकाला है आधे घंटे का, तो वो आपको बराबर आना चाहिए पक्के से। क्लियर हो पाएगा पक्का? तो ट्राई कीजिएगा, यहां से यहां तक तो आप कॉपी कर सकते हो, ये सर्किट तो हमने ऐसे ही ले लिए कोई भी, है ना? बट उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, तो इसका जो ये फर्स्ट लाइन है वो लेक्चर को एक या दो बार देखिएगा कंप्लीटली, और अगर ये लाइन आपकी क्लियर हो गई, रफ पेज पे कीजिएगा, और अगर ये लाइन आपकी सच हो गई है ना, तो आपको ये रूल आ गया ऐसे समझो। तो उसके बाद के बाकी के न्यूमेरिकल्स भी आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, हो जाएगा ना पक्का? तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में किचॉप्स सेकेंड लॉ दैट इज लूप लॉ की थोड़े प्रैक्टिस के सेशंस रखेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच।